एक बूढ़ा राहगीर थककर कहीं आराम करने का स्थान खोज रहा था। एक महिला ने उसे अपने बाड़े में ठहरने का स्थान बता दिया। बूढ़ा वही चैन से सो गया। सुबह उठने पर उसने आगे चलने से पूर्व सोचा कि यह अच्छी जगह है, यहीं पर खिचड़ी पका ली जाए और फिर उसे खाकर आगे का सफर किया जाए। बूढ़े व्यक्ति ने वहीं पड़ी सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और ईंटों का चूल्हा बनाकर खिचड़ी पकाने लगा। बर्तन उसने उसी महिला से मांग लिया। बूढ़े राहगीर ने महिला से कहा, एक बात कहूँ, बाड़े का दरवाजा कम चौड़ा है, अगर सामने वाली मोटी भैंस मर जाए तो फिर उसे उठाकर बाहर कैसे ले जाया जाएगा। महिला को इस व्यर्थ की कड़वी बात का बुरा तो लगा, पर वह ये सोचकर चुप रह गई कि बुजुर्ग है और फिर कुछ देर बाद जाने ही वाला है, इसके मुंह क्यों लगा जाए। उधर चूल्हे पर चढ़ी खिचड़ी आधी ही पक पाई थी कि वो महिला किसी काम से बाड़े से होकर गुजरी। इस बार बूढ़ा फिर उससे बोला, तुम्हारे हाथों का चूड़ा बहुत कीमती लगता है, यदि तुम विधवा हो गई तो इसे तोड़ना पड़ेगा, ऐसे तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। इस बार महिला से सहा न गया, वो भागती हुई आई और उसने बूढ़े के गमछे में आधी पकी खिचड़ी उलट दी, चूल्हे की आग पर पानी डाल दिया, अपना बर्तन छीन लिया और बूढ़े को धक्के देकर बाड़े से निकाल दिया। तब उस बूढ़े व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास हुआ, उसने माफी मांगी और आगे बढ़ गया। उसके गमछे से आधी पकी खिचड़ी का पानी टपकता रहा और सारे कपड़े उससे खराब होते रहे। रास्ते में लोगों ने उससे पूछा, बाबा ये क्या है। बूढ़े ने कहा, यह मेरी जीभ का रस टपका है, जिसने पहले तिरस्कार कराया और अब हंसी उड़वा रही है। तात्पर्य यह है कि पहले तोले फिर बोले, चाहे कम बोले मगर जितना भी बोले मधुर बोले और सोच समझ कर बोले।